सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सरगम सिंह आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। तो भाई आप सबसे तह दिल से माफ़ी मांगता हूँ यार फिर से कि आप सबको हमारा वीडियो बहुत ही लेट से देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी मैं बिज़ी चल रहा था एक्चुअली। औरंगाबाद से दिल्ली, दिल्ली से औरंगाबाद यही चल रहा था अभी, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में मैं मुझे शिफ्ट करना था इसलिए। तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं दिल्ली, और भाई आपका भाई फुल टू फुल भाई शिफ्ट हो चुका है। और यह है अपना रूम, आपको अपना रूम का फुल दिखाते हैं यार, टूर कराते हैं। तो गाइस ये है अपना रूम, और भाई ये अपना बैचलर रूम। तो भाई आपका भाई अकेले है यहाँ पे, अकेले ही रह रहा है। और एक्चुअली मैं इसलिए यहाँ पे हूँ, हाँ बता देता हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली यहाँ पे कोर्स कर रहा हूँ जिसका नाम है इवेंट मैनेजमेंट। तो वही मैं यहाँ से कर रहा हूँ दिल्ली से, तो बस अपने रूम से पास में ही है। और आज आपको घुमाएंगे भाई दिल्ली, और दिल्ली में हम जाने वाले हैं। आज मैं जाने वाला हूँ कुतुब मीनार, सो लेके चलते हैं भाई वहीं। तो आप लोग वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही मस्त होने वाला है। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले बड़ों को नमस्ते, साथियों को हेलो, एंड छोटों को हर हर महादेव। सो कैसे हैं मेरे भाई लोग, उम्मीद करते हैं आप और आपके फैमिली बड़ी होंगे। सो चलते हैं फिर, मिलते हैं डायरेक्ट रोड पे। अभी हम साउथ एक्स के मेट्रो स्टेशन के पास है, और यहाँ से भी टनल से हम लोग नीचे जाएंगे, और नीचे में ही साउथ एक्स के पास ही मिलता है यूलू, कोई भी मेट्रो स्टेशन के नियरेस्ट में ही मिलेगा आपको, तो आपको वहीं से उठाना है। तो अभी हम चलते हैं नीचे, और इसी टनल से होते हुए हमें नीचे जाना है, और टनल पार करके, और इसके बाद हमें सामने मिलेगी यूलो। सो चलिए फिर चलते हैं आगे। तो भाई लोग फाइनली हम टनल में अंदर आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन के, और यार बहुत ज़्यादा गर्मी, और अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहा है, देख लो अभी 4 बज रहा है, और अभी हम यहाँ से निकलेंगे बाहर, और वहाँ से उठाएंगे अपना यूलो। सो चलिए दिखाते हैं यूलो होता क्या है। भाई टनल पार करके आ चुके हैं बाहर, और आपको दिखाते हैं यूलू होता क्या है। जिनको नहीं मालूम होगा उनको बता देते हैं। ये देखो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बैटरी वाली गाड़ी लगी रहती हैं, और यूलू यही इसी लोग को बोलते हैं यूलो, मतलब यही है यूलो। और इसमें एक होता है ये तो एक्चुअली ये जो है वो होता है जो ख़ास करके जो डिलीवरी करते हैं ना उनके लिए, और जो डिलीवरी नहीं करते जिनको नॉर्मल राइड के लिए चाहिए वो एक अलग आता है, बट वो अभी यहाँ पे लगा हुआ नहीं है। तो मेरे पास इसका आईडी है, क्योंकि एक दोस्त का है अपना, वो काम करता था रूम के पास रहता है, तो उससे मैं एक दिन के लिए मांगा भाई मुझे व्लॉग करना है तो आप मुझे दे दो। तो बस मिल गया है मेरे को। यार बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो भाई पसीना बहुत आ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है यार। टाइम अभी 4 बज रहा है, और यहाँ से कुतुब मीनार 7.5 से 8 किलोमीटर है, तो अभी हम वहीं जाने वाले हैं। सो इसको स्टार्ट करने का प्रोसेस होता है क्या, आपको मैं अपने फ़ोन पे दिखाता हूँ। फ़ोन पे से खोलना है भाई, यहाँ पे ये ऐप है यूलो ऐप है, इसको इंस्टॉल कर लेना आप लोग प्ले स्टोर से। तो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, और ये होता है ये इस टाइप से आएगा ये। और यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, एक होता है क्विक राइड का और एक होता है रेंटल का। तो मेरे पास रेंटल का है, क्योंकि क्विक राइड का एक दूसरा बाइक आता है, और मेरे पास रेंटल वाला है, तो मैं रेंटल वाला ही करूँगा। तो इसका प्लान अब 1-2 दिन में ख़त्म होने वाला है, और अभी इसका बैटरी मेरे का रेंज यहाँ पर दिखा रहा है व्हीकल्स नंबर 362 लास्ट का होगा, 362 यही है भाई यही गाड़ी है। और इसका बैटरी आप देख लो अभी कितना चलेगा, 22 से 25 किलोमीटर यहाँ पे दिखा रहा है, 22 से 25 किलोमीटर एक्सपायरी करेगा यहाँ पे 25 जुलाई को सॉरी। और यहाँ पे व्हीकल्स नंबर, यहाँ पे लॉक और अनलॉक का ऑप्शन दिया रहता है, सो इससे हम अनलॉक करते हैं। और भाई ये देखो अगर लाइट जला तो समझो गाड़ी ऑन हो गया, बाइक सॉरी। ये ऑन हो चुका है, नीचे भी लाइट जलेगा इसमें, ये गाड़ी ऑन हो चुका है। और यहाँ से हम नो करेंगे, और यहाँ पे आपको बैटरी का ये भी दिखाएगा कि कहाँ पे नियरेस्ट बैटरी है। अगर मेरा गाड़ी का बैटरी ख़त्म होने वाला है 22 से 25 किलोमीटर, तो बैटरी का स्टॉपअप का ऑप्शन यहाँ पे देगा 6 मिनट का है, ये देखो यहाँ पर दिखा रहा है, तो ये
कहीं पे मैं जाऊंगा, नियरेस्ट मैप वो तो लाजपत नगर में दिखा रहा है यार ये तो। तो चलते हैं पहले लाजपत नगर चलते हैं, बैटरीज का स्वैप अप कराते हैं। पर भाई गर्मी से यार हालत ख़राब हो गया है, तो चलते हैं पहले इसका बैटरी स्वैप अप करवाते हैं और इसके बाद फिर निकलते हैं हम लोग कुतुब मीनार की ओर घूमने। तो यार गाइस अपना गाड़ी रेडी हो चुका है, तो चलते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। ये देखो गाइस कितना मज़ा आ रहा है भाई साहब, एक नंबर। और यार अगर आवाज़ सही से नहीं आ रहा उसके लिए यार सॉरी यार, क्योंकि अपना मोटो व्लॉगिंग का सेटअप तो है नहीं इस पर, तो थोड़ा सा यार मैनेज कर लेना अगर थोड़ा नॉइज़ आ रहा होगा तो यार। भाई क्या ये मस्त मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा आ रहा है। और एक चीज़ और, अगर बहुत लोग ये भी कमेंट करें कि हेलमेट यार पहन के नहीं चला रहे हो, तो यार इस पर कंपलसरी नहीं है कि आप हेलमेट इस पर यूज़ करो, क्योंकि इसका जो स्पीड है ना भाई वो 20 से 25 से भाई ज़्यादा इसका स्पीड होने वाला नहीं है। मुश्किल से भाई 25 जाता है, वो भी नहीं भाई 20 मैक्सिमम इसका 20 स्पीड है। तो टेंशन फ्री होकर चलाओ यार, कोई ट्रैफिक कोई कुछ नहीं होने वाला है, तो फुल मज़ा के साथ चलाओ। और यार बहुत मज़ा आ रहा है भाई, यूलू तो भाई यूलू कर दिया यार। ब्रेक भाई इसका गजब का तगड़ा है यार, एक नंबर ब्रेकिंग है भाई इस गाड़ी का। भाई साहब मज़ा आ रहा है भाई चला करके, बट यार यही है कि स्पीड चलता नहीं है 20 से 25 यही स्पीड इसका हाईएस्ट है यार, तो थोड़ा सा मैनेज करना है यार स्पीड के मामले में। और आप लोग कमेंट करके बताना कि ये यूलू वाली राइड आप सबको कैसी लग रही है, मस्त तो लग रही है ना। बहुत मजा आ रहा है भाई चलाने में इसको, और भाई बहुत लोग भाई घूम घूम के देख रहे हैं यार, पूरा भाई खतरनाक पब्लिक रिएक्शन मिल रहा है भाई साहब, लोग देखे जा रहे हैं भाई ये कौन सी बाइक से घूम रहा है यार। यहाँ के लोग इसको यूज़ नहीं करते भाई, बट मैं भाई मेरे को चुल मचौता है यार किसी भी चीज़ को। अब जब से मैं इसको देखा था ना भाई, मेरे दिमाग में चल रहा था भाई कब मैं इसको चलाऊँ, तो बस आज मौका मिला है तो भाई फाड़ के चलाएँगे भाई इसको आज। यही होता ना यार देख के भाई खुल मचा होता है भाई, कब चलाने को मिलेगा। तो भाई आज मिली क्या फाइनल, आजा भाई अपने साइड आजा, बीच में मत चलो। भाई चला चला के भाई गर्मी में भाई हालत हो गया है पूरा ख़राब, इसलिए भाई नारियल पानी टैप का सेवन, एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। और भाई इतना धूप में भाई अभी फिर से धूप आ गया यार, अभी बादल क्या हुआ था बारिश हो रहा था, फिर से अभी बहुत ज़्यादा धूप आ गया यार। तो भाई अभी 6 किलोमीटर अभी और जाना गाइस, तो अभी यार इससे 6 किलोमीटर भाई ये भागता ही नहीं है गाड़ी, 15 से 20 से 25 यही जाता है यार।
तो यार इससे जान में हालत तो ख़राब हो जा रहा है यार। कोई नहीं, लेकिन मज़ा भाई काफ़ी आ रहा है, फुल एडवेंचर एकदम एक नंबर भाई। जो भी देख रहा भाई एक बार पूछ रहा है भाई ये क्या है, कैसे मिलता है, मुझे भी मज़ा आ रहा है भाई। पब्लिक रिएक्शन खतरनाक आ रही है भाई देखने को। भाई जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं आपको। हम पहुंच चुके हैं कुतुब मीनार और देखते भाई ये जुलू कहाँ पे लगा है। जुलू तो इधर ही लगाते हैं कहीं साइड में। जुलू भाई इधर ही साइड में लगा दिए हैं और भाई इसका कोई पार्किंग वार्किंग नहीं लगता है। तो चलते हैं फिर कुतुब मीनार के अंदर। पर मेरा ये फर्स्ट टाइम है, मैं इससे पहले कभी आया नहीं हूँ। तो चलते हैं देखते हैं क्या क्या होता है भाई, क्या क्या इसका प्रोसेस है। टिकट भी लगता होगा। और गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं टिकट घर और यहीं पे है टिकट काउंटर, ये देखो। और यहां से लगना होगा हमें लाइन, तो लाइन लगते हैं, टिकट लेते हैं, फिर टिकट लेके आपको मिलते हैं आगे। सो गाइस फाइनली टोकन मिल गया है और ये 40 रुपये का पड़ा है, तो 40 रुपये का एक टोकन है। तो चलते हैं फिर अंदर और देखते हैं भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस। आगे घुमा के आगे गाइस यही है कुतुब मीनार। गाइस यही है कुतुब मीनार गाइस, देख लो एक नंबर लग रहा है। भाई लोग कुतुब मीनार तो दिखा दिए और ये देखो ये क्या है भाई, मुझे भी कुछ पता नहीं है यार। तो आपको अगर इसका हिस्ट्री जाना हो तो यार प्लीज़ गूगल कर लेना। जो भी है बढ़िया है भाई, अच्छा लग रहा है। सारा कुछ भाई गिर चुका है, पूरा खंडहर हो चुका है भाई।
और यहाँ से देखो भाई, इसको टू व्हीलर कितना मस्त दिख रहा है भाई। तो फिलहाल यही सब है गाइस। तो भाई लोग, कुतुब मीनार में घूमने के लिए यही था। फाइनली हम घूम चुके हैं पूरा कुतुब मीनार। मज़ा आया, अच्छा था। तो बस गाइज, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आप सबको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़, आप सबको पता है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। चैनल कब तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस भाई को सपोर्ट करो। तो बस मिलते हैं फिर एक नई वीडियो, एक नई लोकेशन, एक नई भोकाल के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे भाई लोग।